अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक सर। नाम आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन अंजम। अमीन अंजम, दैट्स राइट। सर, मैं ना आज आपको एक ट्रेंड दिखाऊंगा, ब्लड ट्रेंड। समझते हैं ब्लड ट्रेंड क्या होती है? जी समझते। ब्लड ट्रेंड दिखाऊंगा, आपने वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखने के बाद गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री की होगी, ठीक है? जी। किधर की लग रही है? ये जापानी है। जापानीज? जी। जापान की नहीं है यार। ये जापान की? यार जापान की नहीं है। चाइना की होगी? चाइना की भी नहीं है। इंडिया? इंडिया कैसे कैसे? मुंबई अहमदाबाद आ गए यार। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ये इंडिया के अंदर है। क्या कैसा लगा आपको देखने के बाद? इंडिया के अंदर है नहीं, अभी बनने जा रही है, 2024 के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यार इनका जो प्रोजेक्ट है ना, ये उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था, आई थिंक 2008 या 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ये ना मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अब उनकी जो हुकूमत है ना वो स्टेबल है, डेमोक्रेसी की बहुत स्टेबल है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इस वजह से ना उनके जो प्रोजेक्ट पड़े थे ना, पेंडिंग में पड़े थे, अब उनके वो भी मतलब कि कम्प्लीट होने जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया का अब जो इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनकी जो मार्केट है ना, मतलब कि प्रोडक्शन मार्केट, वो बहुत तेज हो चुकी है। मतलब कि इतनी वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनकी GDP आई थिंक 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। ट्रिलियन हो गई है, 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, और चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है दुनिया में। जापान, आई थिंक जर्मनी उनसे आगे, जापान वगैरह को भी मतलब कि वो पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस तरह उनके जो प्रोजेक्ट है ना वो बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मतलब कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए थे आज से 10 साल पहले होने चाहिए, वो भी अभी तक नहीं हो चुके। एग्जैक्टली सर, हमें देखा जाए तो हमने ऑरेंज लाइन लाहौर के अंदर हमने बिछा दी है, अब वो भी खसारे में चल रही है। यार इसमें ये होते ना कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, अगर वो भी ठीक, अगर बंदे का ठीक नहीं है, ठीक है, अगर उनको जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ठीक है वो भी ठीक नहीं है, अगर वो करप्टेड है, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल अगर आप बिजनेस भी लेंगे ना, तो वो भी आपको नुकसान में जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर इलोन मस्क, इंडिया के अंदर उसने अपनी एक कंपनी सारी इंडिया के अंदर लेके आया है। इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको? क्या दुनिया पाकिस्तान के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? दरअसल बात ये है कि जहाँ मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, ठीक है, उन लोगों को जो इन्वेस्टर होता है उनको गारंटी चाहिए। एग्जैक्ट, ठीक है। अगर वो अपने बिलियन मिलियन डॉलर अगर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको मतलब कि गारंटी चाहिए। हमारे मुल्क में क्या है, कभी आर्मी ओवरटेक कर लेती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट ओवरटेक कर लेती है। अभी देखें ना, पाकिस्तान में 76 सालों में कितने 22 या 23 वजीर आजम आ चुके हैं। 33 हो, लेकिन अभी आप इंडिया में देखें ना, तो उनके पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 वज़ीर-ए-आज़म आए हैं। एग्जैक्टली 10 साल से नरेंद्र मोदी कर रहे, अभी 5 साल और वो करेंगे। हाँ वो भी करेंगे, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह करके गया है। एग्जैक्टली, ठीक है। उन मुल्कों को गारंटी चाहिए, उन लोगों को गारंटी चाहिए, उन मुल्कों में गारंटी है, इस वजह से उनमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उसके बाद उन लोगों को मार्केट चाहिए। जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका तो आप जानते ही है कि वही पुराना सिलेबस हमें बार बार पढ़ाया। हम हर साल 2 करोड़ या 1 करोड़ इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, 50 लाख डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, लेकिन देखें कि पाकिस्तान में जो हेल्थ का सिस्टम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी मशीनरी वगैरह है, उसका आप हाल देख ले। कोई ऐसा बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तीनों भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। और आपका? शुएब अफरीदी। शुएब अफरीदी। और आपका? जिया। जिया, दैट्स राइट। तीनों के बहुत अच्छे नाम है। पठान भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं ना आज आपको एक बुलेट ट्रेन दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, आपने गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री में होगी, ठीक है? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाम कृष्णा है। ये ट्रेन है, किधर की लग रही है? ये मेरे ख्याल से इंडिया, मुंबई। इंडिया किधर से गेस किया? इधर मुंबई लिखा हुआ है, अहमदाबाद और मुंबई। बिल्कुल सर, ये इंडिया में बनने जा रही है 2024 के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह ट्रेनें हमारे मुल्क भी होना चाहिए। सर क्या रीजन है? देखे इंडिया डे बाई डे तरक्की कर रहा है, घंटों का सफर वो मिनटों में कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, क्या रीजन है? पाकिस्तान में वही पुराना निज़ाम, रेलवे का पुराना निज़ाम चल रहा है, थोड़ा आगे। जी असल में मसला जो ये है, इधर टैलेंट की कदर नहीं है।
उधर ट्रेन की कदर है या ट्रेन की कदर नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वो मतलब उसका दारों में वो है सिफारिश, हाँ जिसकी सिफारिश है बस वही हो जाता है इधर, बस जिसकी सिफारिश है वही आगे जाता है, वही आगे जाता है, यहाँ ट्रेन की कदर नहीं है, यहाँ बस सिफारिश की काम है, जिसकी लाठी उसकी बहन, बस जिसके पास पैसा है, जिसका सिफारिश है उसी का ही सिस्टम है। सर इंडिया में क्या ऐसा निज़ाम नहीं होगा? जी इंडिया की हालात तो आपने बताया कि वो रोज बरोज माशाल्लाह से तरक्की कर रहा है, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट बन गई, हाँ तो यही से आप समझ लो कि उधर ट्रेन की कदर है, ट्रेन की कदर इसलिए वो आगे जा रहे हैं। अगर ट्रेन की कदर ना होता इसी तरह हमारे मुल्क का सिस्टम होता तो जहरी बात है वो भी अभी तक वही की वही रह गया होता। बिल्कुल ये जो आगे जा रहा है ये उसकी असल यही वजह है कि वो उसमें ट्रेन की कदर है, वो जिस बंदे को मतलब ट्रेन हो, जिस बंदे को उसकी काबिलियत हो उसी उसका हक दे देता है। एग्जैक्टली यानी आपका कहना है कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कदर है जिसकी वजह से वो तरक्की करें, पाकिस्तान में सिफारशी निज़ाम है, चाहे सिफारशी निज़ाम है। और सर क्या लगता है, देखें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से क्या आपको ये भी लग रहा है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वज़ीर आज़म हर 3 साल बाद चेंज हो जाते हैं, 3-4 साल बाद, क्या ये भी रीज़न बन सकता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों यार, अगर इसके बारे में कुछ बोला है तो फिर जाहिर बात है वीगो डालाएगा, हमें अंदर लेके जाएगा, हमें अंदर नहीं जाने अभी। वीगो डाला, देखिए पाकिस्तान में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, आप खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। हाँ तो यही मसला है ना, ये सारा मसला ने हमारे मुल्क को गिरा हुआ है, उसी वजह से हम आगे नहीं चल सकते, इसी वजह से हम वही के वही गिरे थे। मतलब अगर डॉक्टर्स की भी बात करते तो इंडिया सर बहुत ज्यादा आगे इस चीज में, वो तो आबादी के लिहाज से आगे है ना, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, बेहतर है बहुत ज्यादा, ठीक है। उन्होंने अभी हमारे मुल्क में सिर्फ 8 लाख बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ही आगे जाते हैं, ठीक है, जो बाकी को 50-60 लाख बच्चे हैं जो देहातों से आते हैं या ऐसे मतलब छोटे कस्बों से आते हैं, तो वो तो मतलब दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग। ठीक सर, और एजुकेशन सिस्टम ये नहीं हमने करना है कि सिर्फ लाहौर में ठीक करना है, इस्लामाबाद में, कराची में, हमने हर गांव को, हर शहर के, हर सूबे के, हर गांव को एजुकेशन बेहतर देंगे तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये बात आपकी ठीक है, जो हमारी हुकूमत है ना वो सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह में, ऐसे जगहों पे मतलब के जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो इस तरह देहातों में जो बैकवर्ड एरियाज हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कोड़ा, ठीक है, तो उधर देखे कि आपको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, ठीक है, एक या दो तीन से अच्छा स्कूल है। डेवलपमेंट की बात करें, क्या लाहौर के मुकाबले में उकाड़क में भी इतनी ही डेवलपमेंट है जितनी लाहौर में है? उकाड़ा में लाहौर के मुकाबले में 1% डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर आप एक अच्छा स्कूल फाइंड करने जाएं तो आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, अगर आप कस्बों में चले जाएं तो ऐसे मतलब के कस्बे भी हैं जहाँ स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है, ठीक है, आपको एक अच्छी मतलब के एजुकेशन सिस्टम मैसर नहीं है, ठीक है, जो जो हमारा स्कूल है ना जिसे मैं पढ़ाऊँ, आप उसमें देखे एक लाइब्रेरी है, बस सिर्फ नाम की लाइब्रेरी है, ठीक है, हमारे हमने 10 साल पढ़ा है, हमने 10 साल पढ़ा है, लेकिन कोई ऐसा मतलब कोई टीचर नहीं है जिसने हमें इनकर्ज किया हो कि आप यार लाइब्रेरी जाए, हमने बहुत मरतबा कोशिश की है कि हम लाइब्रेरी चले जाएं, लेकिन टीचर कहते हैं कि यार आप अपने सिलेबस नहीं पढ़ रहे तो आप लाइब्रेरी क्या जाएंगे, और जो टीचर्स का होता है ना जो मतलब सरकारी टीचर होते हैं ना वो समझते हैं कि उनकी जॉब सिक्योर है, ठीक है, अगर वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं वो सिक्योर है, ठीक है, तो वो कभी लेक्चर लेते हैं कभी नहीं लेते, ये बात तो ठीक है ना कि उनकी बैक बाइटिंग हो रही है अपने टीचर की, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, लेकिन जो बात रियलिटी है वो बात बता रहा हूँ। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हुकूमत को कि हमेशा अगर आप अभी नून लीग की हुकूमत आ रही है, ठीक है, मे भी नून लीग ही आएगी ये तो कंफर्म है, ठीक है, तो वैसे ये है कि यार आप जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करें, अगर आप मोटरवे आपने बनाई है लेकिन मोटरवे का नुकसान क्या है, वो भी खसारे में वो भी चल रही है, ठीक, आप इतनी इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं उसकी मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है, वो आपने हमेशा नुकसान होता है हमारी इकानमी को, क्योंकि हमको जो वो डेट होता है ना वो वापस पे करना होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो हाई रेट होता है। चाइना ऐसा है वो अपने जाल में फंसा के ना, उन्होंने अभी श्रीलंका का हाल देखे, अभी उन्होंने अफ्रीका में कदम जमाए हैं, ठीक है, तो वो इतना मतलब के शिकंजों में जकड़ लेता है ना, इतना हाई इंटरेस्ट पे डेट देता है या इस तरह के सीन करता है, तो ये है कि एजुकेशन पे तवज्जो दें, आईटी में अभी हमारे आईटी का एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये जो मतलब केयर टेकर हुकूमत आई है उसने बहुत अच्छा मतलब इकदाम किए हैं, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हुकूमत से यही है कि हमेशा आईटी को फ़रोग दें, हमेशा एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करें, हमारा वही एजुकेशन सिस्टम है जो आज से 100 साल पहले था, ठीक है, तो
इस तरह का मतलब कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए तो डेफिनेटली जो आवाम में शऊर पैदा होगा ठीक है, और हमारी जो मतलब के रेमिटेंस है वो बढ़ेंगे ठीक है। बस यही हमारा लास्ट मैसेज है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। इधर जो बंदा है जो आज़ादी की लड़ता है, जो मतलब हमको आगे लेके जा रहा है उसको जेल में डाल देता है, जो हमको बाहर मुल्कों से वो कर्जा लेते हैं हमको नीचे दे लेके जा रहा है, बस उसी का सिस्टम चल रहा है। ये हमारे मुल्क में असल में जो है निज़ाम नहीं है, कानून नहीं है, कानून नहीं, कानून नहीं है। हर कोई बस समझ लो कि अपने मफाद के पीछे लगे हुए है, हर कोई को अपनी पड़ी हुई है। अच्छा तो सर देखें, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री की ज्यादा बेस्ट होगी, इंडिया या पाकिस्तान की? नहीं जाहिर बात है इंडिया की बेस्ट है, इसलिए तो आगे जा रहा है। हम किस शुबे में इंडिया से आगे हैं? हम कहते हैं हमारे दुश्मन है, और दुश्मन का मुकाबला ऐसे किया जाता है ना कि किसी चीज में आगे जाना। आजकल का दौर ये नहीं है कि एटमी ताकत है और जंगों का दौर खत्म हो गया, अब सिर्फ इकोनॉमी का पावर, इकोनॉमी की पावर से आप किसी भी कंट्री को हरा सकते हैं। जी ये बात सही है, लेकिन आजकल हमारा इकोनॉमी नीचे जा रहा है, इसलिए हम इंडिया से समझ लो कि बहुत पीछे रह गए। कितना टाइम आपको लगता है कि लगेगा हमें इंडिया की बराबरी करने में? मुश्किल है, कम से कम यही लगेगा 50-60-100 साल तक लगेगा, जाहिर है उससे भी ज्यादा लग सकता है। सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही मैसेज देना चाहेंगे यार पाकिस्तान में टैलेंट की कदर करो, जिसके पास टैलेंट है उसको उसी शोबे में कर दो। इसमें जो निज़ाम है वो सिफारिश का निज़ाम खत्म कर दो, जो जिस बंदे में जो भी टैलेंट है उसको आगे लेकर आओ, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की चलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।